हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सेल के बारे में, सेल तक हमने पढ़ लिया था, सेल एनवेलप में भी हमने पढ़ लिया था, सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ लिया था। सो बेसिकली सेल को हमने स्टडी करने के लिए हमने सेल को डिवाइड कर लिया है कुछ एक स्ट्रक्चर्स में कि सेल एनवेलप, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। हमने पहले सबसे पहले डिवाइड कर दिया सेल एनवेलप, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल एनवेलप वो होते हैं जो कि सेल के सराउंडिंग उसको कवर करके रखते हैं। दे आर द टू टाइप्स, सेल मैम्ब्रेन एंड द सेल वॉल। सेल मैम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन द ऑल द लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग द प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर मैम्ब्रेन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल। एंड सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया एंड द प्लांट सेल्स। ओके, सो नाउ साइटोप्लाज्म इज वॉट। बिफोर द साइटोप्लाज्म द टर्म प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। वॉट इज द प्रोटोप्लाज्म? इट इज अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ विच इंक्लूड साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सो बेसिकली वॉट इज द प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ विच इंक्लूड साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। नाउ द प्रोटोप्लाज्म टर्म वॉज गिवन बाय पुर्किंजिन। किसने दिया था? पुर्किंजिन। ओके, प्रोटोप्लाज्म जो वर्ड है वो किसने दिया था? पुर्किंजिन ने। ओके, देन साइटोप्लाज्म को भी हमने डिवाइड कर दिया टू कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज द हाइलोप्लाज्म एंड द सेकेंड वन इज द ट्रोफोप्लाज्म। व्हाट इज द हाइलोप्लाज्म? हाइलोप्लाज्म इज द फ्लूइड दैट एक्सक्लूड द सेल ऑर्गेनल्स। When the cytoplasm excluding the cell organelles, जो बचेगा हम उसे क्या कहेंगे? Hyaloplasm। Hyaloplasm को हम क्या बोल सकते हैं? Cytosol भी कहते हैं। It is also known as cytosol, which is excluded in, क्या excluded होता है? Cell organelles। Okay, so hyaloplasm क्या है? साइटोसोल है, जिसके अंदर ओनली द फ्लूइड है, जिसमें से अगर हम सेल ऑर्गेनल्स को निकाल दें तो क्या बचेगा? साइटोसोल। एंड द अदर इज ट्रोफोप्लाज्म। ट्रोफोप्लाज्म के अंदर आता है लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट आ जाता है। लिविंग के अंदर सेल ऑर्गेनल्स एंड नॉन लिविंग के अंदर आ जाता है सेल इंक्लूजन्स, किसको कहते हैं? सेल ऑर्गेनल्स के अंदर आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, लाइसोसोम, प्लास्टिड, गॉल्जी बॉडी एंड द अदर थिंग्स। एंड अगर कुछ बच गया है तो अगर साइट सेल इंक्लूजन्स के अंदर आता है वैक्यूल्स, स्टार्च ग्रैन्यूल्स, स्टोर फूड मटेरियल एंड द वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो हम इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे। हमने सेल एनवेलप में हमने पढ़ लिया था, सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। सो व्हाट इज द सेल वॉल? इट इज द आउटर कवरिंग। इट इज प्रेजेंट इन ओनली इन द प्लांट सेल, ओके, as well as in bacteria also, but in bacteria there is a composition of cell wall is different. Okay, so it is present only in plant cells and fungi and bacteria, not only plant cells, bacteria and fungi. So इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। नाउ इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इट इज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट होक। डिस्कवर्ड द सेल वॉल। नाउ सेल वॉल के कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन क्या है? सेल्युलोज एंड हेमी सेल्युलोज, एंड हेमी सेल्युलोज के साथ साथ और भी है पैक्टिन, पैक्टेट, सुबेरिन एंड लिग्निन। सो दीज आर द कंपोनेंट्स, मेन कंपोनेंट्स आर सेलुलोज एंड द हैमी सेलुलोज। ओके, नाउ द सेल वॉल जो है वो बेसिकली क्या है? नॉन लिविंग टाइप है, रिजिड है, थिक एंड
इट इज कवर्ड द, कहाँ प्रेजेंट होती है? आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल जो है वो, उसके तीन लेयर्स होती हैं सेल वॉल की। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल में सबसे फर्स्ट लेयर जो होती है वो होती है प्राइमरी सेल वॉल, ओके, देन सेकेंडरी सेल वॉल, एंड थर्ड इज टर्शरी सेल वॉल, ओके। सो प्राइमरी सेल वॉल विच इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स, प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स, एंड सेकेंडरी सेल वॉल विच इज एब्सेंट इन मेरिस्टमैटिक टिश्यूज, मेरिस्टमैटिक टिश्यूज। व्हाट आर, व्हाट इज द मेरिस्टमैटिक टिश्यू? मेरिस्टमैटिक टिश्यूज आर दोज हु कंटिन्यूअसली डिवाइड्स, दैट टिश्यूज जो कि कंटिन्यू क्या होते हैं, डिवाइड होते रहते हैं, उनको हम कहते हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यूज। बेसिकली प्राइमरी सेल वॉल सभी में प्रेजेंट होती है, सेकेंडरी सेल वॉल ओनली एब्सेंट इन द मेरिस्टमैटिक टिश्यूज, एंड द टर्शरी सेल वॉल जो होती है वो हायर एलिमेंट्स, हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। हायर प्लांट्स जैसे कि एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होती है, उनकी भी स्पेसिफिक टिश्यूज के अंदर, सीव ट्यूब्स के अंदर प्रेजेंट होती है। सो टर्शरी प्रेजेंट इज नॉट नेसेसरी कि वो सभी सेल्स में प्रेजेंट हो और या फिर सभी प्लांट्स में प्रेजेंट हो। बेसिकली प्राइमरी सेल वॉल जो है वो सभी में ही प्रेजेंट होती है, एंड सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो किस में प्रेजेंट होती है? सभी में प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट द मेरिस्टमैटिक टिश्यूज, ओके। नाउ एक और टर्म आता है मिडिल लैमेला। व्हाट इज द मिडिल लैमेला? मिडिल लैमेला जो है वो दो सेल के बीच में, टू प्लांट सेल में, इट इज अ कॉमन कॉमन लेयर और मेम्ब्रेन बिटवीन बिटवीन टू एडजेसेंट एडजेसेंट प्लांट सेल, कॉमन बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल लाइक दिस। सो ये जो है ये मिडिल लैमेला है जो कि टू एडजेसेंट सेल्स के बीच में प्रेजेंट होती है, दिस इज कॉल्ड मिडिल लैमेला, ओके। सो ये हमने बात कर ली मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला का केमिकल कंपोजिशन क्या है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, इसको हम कहते हैं सेल सीमेंट भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? सेल सीमेंट भी कहते हैं। सो ये है सेल वॉल के बारे में कि सेल वॉल क्या है, रिजिड एंड आउटर मोस्ट कवरिंग, ओके, नॉन लिविंग है, रिजिड है, थिक है, एंड आउटर मोस्ट कवरिंग है, कवरिंग ऑफ सेल्स, इट इज अ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल्स। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें सो जो सेल्युलोज है वो बेसिकली सेल्युलोज और हेमी सेल्युलोज मिलके एक नेटवर्क बनाते हैं माइक्रोफाइबर्स एंड मैक्रोफाइबर्स का कलेक्शन कर, एक नेटवर्क बनाते हैं, कुछ इस प्रकार का नेटवर्क होता है, और उस पे सेल, ये सेल वॉल का कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल्युलोज और हेमी सेल्युलोज मिलकर के बनाते हैं माइक्रोफाइबर्स एंड द मैक्रोफाइबर्स मिलकर के, ओके। मिडिल लैमेला है, इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि जब, मान लीजिए
कोई फ्रूट है, फ्रूट जब पक के तैयार हो जाता है तो क्या होता है कि वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। पहले तो कैसा होता है, रिजिड होता है, लेकिन जब वो पक के मैच्योर होके तैयार हो जाता है तो वो कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो बेसिकली सॉफ्ट किस वजह से होता है, मिडिल लैमिना की वजह से वो सॉफ्ट हो जाता है। तो मिडिल लैमिना कैसी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, और वो किस में होता है, फ्रूट्स में देखने को हमें मिलता है जब वो पक जाते हैं, तो वो किस वजह से होता है, मिडिल लैमिना की वजह से होता है। सो अगर अब हम बात करते हैं आगे सेल वॉल के कंपोजिशन, नेटवर्क ऑफ सेलुलोज क्या बनाता है, सेल वॉल, क्या बना रहा है, सेल वॉल। अब कैसे बना रहा है कि जो सेलुलोज है वो एक मॉलिक्यूल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके, सेलुलोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलके क्या बना रहे हैं, मिसेल बना रहे हैं। एंड मिसेल क्या बना रहे हैं, मिसेल, बहुत सारे मिसेल्स मिलके क्या बना रहे हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स बना रहे हैं। एंड दीज माइक्रोफाइब्रिल्स, बहुत सारे 200 to 250 माइक्रोफाइब्रिल्स मिलके क्या बना रहे हैं, मैक्रोफाइब्रिल्स बना रहे हैं। और इन माइक्रोफाइब्रिल्स जो है ये ऐसे कुछ अरेंज रहते हैं, और उन्हीं के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, हैमी सेलुलोज जो होता है वो अरेंज हो जाता है। सो बेसिकली सेलुलोज मॉलिक्यूल के हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना रहे हैं, मिसेल बना रहे हैं। और मिसेल जो है 20-30 मिसेल मिलकर के क्या बना रहे हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स बना रहे हैं। एक माइक्रोफाइब्रिल और 200 to 250 माइक्रोफाइब्रिल्स मिलके क्या बना रहे हैं, मैक्रोफाइब्रिल्स बना रहे हैं। सो ये है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल, की सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये हम नेक्स्ट आपकी फर्दर क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सेलुलोज मॉलिक्यूल है वो मिसेल, मिसेल से माइक्रोफाइब्रिल, माइक्रोफाइब्रिल से मैक्रोफाइब्रिल बना रहा है। अब सेलुलोज की अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेलुलोज एंड हैमी सेलुलोज जो है मैंने आपको बताया, इट इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल। और अगर फंजाई की बात करें तो फंजाई में सेल वॉल कौन बनाता है, काइटिन, इट इज अ हार्ड स्ट्रक्चर। कॉकरोच देखा है कभी, कॉकरोच का जो ऊपर जो उसके हार्ड स्ट्रक्चर होता है उसको हम काइटिन का बना हुआ रहता है, और वैसा ही काइटिन किसमें प्रेजेंट होता है, फंजाई के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, इट इज अ हार्ड नेचर होता है। एंड उसकी बात करें पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो सेल बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाता है, बैक्टीरिया सेल वॉल में प्रेजेंट होता है ग्लाइकोपेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडो का मतलब होता है प्रोटीन एंड ग्लाइकेन इज द ग्लूकोज, और यू कैन से सेलुलोज भी बोल सकते हैं, बट बेसिकली आप ये समझिए ग्लूकोज एंड प्रोटीन मिलकर के क्या बना रहे हैं, बैक्टीरिया की सेल वॉल बना रहे हैं। सो ये था आपका यहाँ पर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन भी हमने पढ़ लिया था, सेल वॉल भी हमने पढ़ लिया है। सेल मेम्ब्रेन में हमने पढ़ लिया था फॉस्फोलिपिड नेचर होता है, फॉस्फोलिपिड नेचर की अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन में हमने पढ़ लिया था, बस थोड़ा सा एक चीज हम और डिस्कस कर लेते हैं जो शायद हमसे छूट गई होगी। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात हमने करें, मैंने आपको पिक्चर भी डाला है सेल मेम्ब्रेन का, जिसमें आपको ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये क्या है, एक फॉस्फोलिपिड है, इसे हम हेड कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। जो हेड है वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है इट लव्स द वॉटर, एंड टेल पार्ट इज कॉल्ड एज हाइड्रो, जो इसकी नेचर है वो कैसी है, हाइड्रोफोबिक, इट हेट्स वॉटर।
फोबिक मतलब डरना, ये पानी से डरता है बिकॉज ये क्या है, लिपिड है, और जो हेड वाला पार्ट है वो क्या बना रहा है, फॉस्फेट है। सो फॉस्फेट कैसा होता है, पोलार नेचर होता है, ये पानी से नहीं डरता है, दैट्स वाई ये क्या है। अब ये जो दो लेयर्स है फॉस्फोलिपिड की, वो ऐसे अरेंज हो जाती हैं कि जिससे ये फॉस्फोलिपिड की लेयर्स कुछ ऐसे अरेंज हो जाती हैं कि जो हाइड्रोफोबिक नेचर होता है ये आपस में एक दूसरे के साथ वान डर वाल्स फोर्स के साथ क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर था जिसमें हमने ये बताना था कि ये जो हेड रीजन होता है ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, और जो टेल रीजन होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसके आगे साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म में भी हम पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या है और ट्रोपोप्लाज्म। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं साइटोप्लाज्म से, बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, तो उससे पहले हम उठाएंगे न्यूक्लियस, उठाएंगे न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको सेल वॉल के फंक्शंस तो पढ़ा दिए थे, लेकिन एक बार और देख लेते हैं कि ये क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट भी कराता है, और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है प्लांट्स को। शेप, ट्रांसपोर्ट, प्रोटेक्शन, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है। और ट्रांसपोर्ट कैसे कर पाता है, क्योंकि ये कैसा होता है, जो वॉल होती है सेल वॉल वो कैसी होती है, पोरस नेचर की होती है, उसमें जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा सेल वॉल। अब हम बढ़ेंगे न्यूक्लियस की तरफ। न्यूक्लियस हेडक्वार्टर ऑफ द हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। सेल का क्या है, ये हेडक्वार्टर है न्यूक्लियस। इसको डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस है डबल मैम्ब्रेनस है, डबल मैम्ब्रेन वाला है। ठीक है, डबल मैम्ब्रेन विच इज डेंस प्रोटोप्लाज्मिक नेचर का है, डेंस है, डेंस इसका नेचर है। नेचर मतलब कि ये जो न्यूक्लियस है वो कैसा दिखता है हमको, डेंस दिखता है। इसमें प्रेजेंट होते हैं क्रोमेटिन थ्रेड्स, दैट्स वाई ये हमको कैसा दिखता है, डेंस दिखता है। सो हम इसे कह सकते हैं कि ये डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है, एंड डबल मेम्ब्रेनस डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है, जिसको ये करता क्या है, दैट कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लाइक प्रोटीन सिंथेसिस हो। ठीक है, किसी भी प्रकार का प्रोटीन, मान लीजिए प्रोटीन सिंथेसिस हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, सेल डिवीजन हो, प्रोटीन सिंथेसिस, ओके, ट्रांसक्रिप्शन एंड सेल डिवीजन, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन मतलब डबल करना है ना, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से क्या बनाना, आरएनए बनाना,
ठीक है, इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए से अगर आरएनए बनाए तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सेल डिवीजन को भी कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। ठीक है, ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। अगर हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा सा दिखता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस है, हमने कहा डबल साथ ही साथ पोरस भी है। क्या है? पोरस, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोपोर कहते हैं। क्या कह रहे हैं हम उसे? न्यूक्लियोपोर कह रहे हैं। दीज आर द न्यूक्लियोपोर, दिस इज द न्यूक्लियोपोर। इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, जो प्लाज्म प्रेजेंट रहता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियो प्लाज्म बोलते हैं। और ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन है, दिस इज द न्यूक्लियोपोर। यहां से छोटा कोई मॉलिक्यूल और या फिर बल्कि मॉलिक्यूल्स भी यहां से क्या कर पाते हैं? एंटर कर पाते हैं, या फिर इसे एंटर भी कर पाते हैं और एक्सक्लूड यानी कि बाहर भी कर सकते हैं। ठीक है, सो कुल मिला के ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट भी करता है। और यहां पर न्यूक्लियोप्लास्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसे हम कह रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब यहां पर प्रेजेंट होता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एंड इट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि क्या है? आपस में इंटरमिंगल्ड है, एक दूसरे से उलझे हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये उलझे हुए, अगर आपने धागों को कभी खोल के ऐसे छोड़ दो, ऐसे आप धागे को मांझा, जैसे आप कभी आपने पतंग उड़ाई हो और मांझा आपने ऐसे ही खुला छोड़ दिया हो तो वो कैसा उलझ जाता है। तो वो बेसिकली कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलता है। वो मांझा वो ऐसे उलझा हुआ नहीं रहता है, लेकिन हमें दिखता ऐसा ही है कि ये क्या है? मंजा एकदम इंटरमिंगल्ड सा दिखता है एक, और इसे हम कहते हैं क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? क्रोमेटिन। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं, विच इज डीएनए प्लस प्रोटीन, एंड विच प्रोटीन इज बाउंडेड विथ इट? डीएनए एक प्रोटीन के साथ। यहां पर क्या प्रेजेंट है? यहां पर डीएनए प्रेजेंट है, और ये डीएनए किस फॉर्म में है? लीनियर फॉर्म में है, क्रोमेटिन फॉर्म में है। और ये क्रोमेटिन फॉर्म में कैसे है? कुछ बीड्स की तरह दिखता है, है ना? माला जो होती है, बीड्स वाली माला, कभी अगर आपने देखी हो तो ये माला है और उस पर अगर मैं बीड्स ऐसे बना दूं तो ये कुछ ऐसे दिखता है। तो ये इसको हम कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम क्रोमेटिन कहते हैं। अब ये जो क्रोमेटिन है, इस क्रोमेटिन का मतलब है डीएनए प्लस प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन है, यहाँ पर प्रोटीन कौन सा होता है? हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ पर कौन सा प्रोटीन होता है? हिस्टोन प्रोटीन, विच इज ओनली फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल। यहाँ पर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है? हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक आपको डेंस एरिया दिखेगा, उस डेंस एरिया को हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियो लस। ठीक है, इसे हम कह रहे हैं न्यूक्लियोलस। ये बेसिकली क्या करता है कि ये स्टोरेज है आरएनए का, दिस इज अ स्टोरेज ऑफ आरएनए और द फैक्ट्री ऑफ आरएनए, फैक्ट्री ऑफ आरएनए भी बोलते हैं। बेसिकली क्या बनाता है ये? ऑल द टाइप्स ऑफ, ये बनाता है आरएनए बनाता है। यहां पर क्या बनाता है? ये आरएनए बनाता है। कौन सा बनाता है? आरएनए का मतलब है राइबोसोमल आरएनए। आरएनए जो है वो थ्री टाइप्स के होते हैं,
एक तो है mRNA, एक है rRNA और एक है tRNA. mRNA होता है मैसेंजर, जो कि मैसेज लेकर के जाता है, वो है मैसेंजर RNA. और rRNA जो है वो है राइबोसोमल RNA. राइबोसोमल RNA का मतलब है कि जो राइबोसोम्स के साथ जो राइबोसोम बनाता है, है ना, उसे हम कहते हैं राइबोसोमल RNA. एंड tRNA इज द ट्रांसफर RNA. ट्रांसफर RNA ये हम सारे पढ़ेंगे कि ये क्या क्या काम करते हैं जब हम राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे. सो फिलहाल अभी हमें इतना ही समझना है कि दिस इज द न्यूक्लियस. ये हाउसकीपिंग भी करता है बेसिकली. हाउसकीपिंग यहां पर ये हाउसकीपिंग भी करता है, ठीक है, मेंटेन करने का काम करता है, क्योंकि ये सारे के सारे आरआरएनए बनाता है, टीआरएनए भी बनाता है. सो बेसिकली ये क्या करता है, हाउसकीपिंग भी करता है. अभी इस शब्द पे नहीं जाना है, ज्यादा जोर नहीं लगाना है, समझ में नहीं आ रहा है तो. अब यहां पर ये हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस को हमने देख लिया कि न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है. अब न्यूक्लियस के साथ ही चारों तरफ लगे हुए रहते हैं, क्या लगा हुआ रहता है, ईआर. ये ईआर इसके साथ क्या लगा हुआ रहता है, मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ रहता है न्यूक्लियस की, इसे हम कहते हैं ईआर, ठीक है. देखो ये जो मेम्ब्रेन हमने बनाई है, डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, एक तो है सबसे बाहर वाली जो है उसको हम पेरी, उसे हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, और एक होती है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है. दिस इज कॉल्ड द आउटर एंड दिस इज कॉल्ड द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है. इन दोनों के बीच में एक स्पेस अवेलेबल होता है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस हम कहते हैं. क्या कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, इसे हम कह रहे हैं. क्या कह रहे हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस कह रहे हैं. अब यहां पर अगर हम इसके न्यूक्लियस के कंपोजिशन की बात करें, न्यूक्लियस का जो कंपोजिशन है, अगर हम इसके कंपोजिशन को देखें तो इसमें क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन. क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन, जो कि कितना प्रेजेंट होता है, 85% इसके अंदर प्रोटीन क्या होता है, प्रेजेंट होता है. और प्रोटीन के बाद क्या होगा, प्रोटीन के बाद प्रेजेंट होगा यहां पर आरएनए. क्या होगा, आरएनए. आरएनए कितना है, 10%. कितना है, 10%. और उसके बाद सबसे लीस्ट अमाउंट में है डीएनए, यानी कि 5%. कितना है, 5%. प्रोटीन 85, 10 हो गया 95, 5% हो गया 100. तो इसका टोटल कंपोजिशन हमने निकाल लिया कि प्रोटीन यहां पर सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है, डीएनए इज वेरी इन लेस अमाउंट. सबसे लेस अमाउंट किसका होता है, डीएनए का होता है, ठीक है. और ये हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया न्यूक्लियस का, न्यूक्लियोलस पढ़ लिया, न्यूक्लियोपोर, न्यूक्लियोप्लाज्म, डबल मेम्ब्रेनस, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ईआर प्रेजेंट होता है, ठीक है. और न्यूक्लियोलस हमने पढ़ लिया, क्रोमेटिन भी हमने देख लिया. सो हमने यहाँ फंक्शंस देख लिए थे, कुछ अब फंक्शंस और देख लेते हैं कि यहाँ पर ये क्या करता है, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करता है. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इंक्लूडिंग द जितने भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं उनके डायरेक्शन, उनके सिंथेसिस को क्या करता है, वो डायरेक्ट करता है. यानी कि इसको हम कह सकते हैं जैसे किसी फिल्म का डायरेक्टर होता है ना, एवरी एंड ईच सीन को कौन डायरेक्ट करता है, डायरेक्टर करता है. उसी तरह से किसी भी सेल की किसी भी एक्टिविटी को डायरेक्ट कौन करता है, वो करता है न्यूक्लियस करता है, ठीक है. ट्रांसक्रिप्शन भी करवाता है, रेप्लिकेशन भी करवाता है, सेल डिविजन को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है. और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि ये जो जेनेटिक मटीरियल है ये पास ऑन करने का भी काम करता है, जनरेशन टू जनरेशन. इसका काम क्या रहता है, जनरेशन टू जनरेशन हेरिडिटी को मेंटेन करना. हेरिडिटी को मेंटेन करना कैसे करता है, कि ये जो डीएनए है, डीएनए ही एक्चुअल जो
एक्चुअल जो जनरेशन टू जनरेशन जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसका होता है, वो होता है डीएनए का। और डीएनए क्या है, आपके लाइफ को डिसाइड करता है कि आप क्या होंगे, कैसे होंगे, क्या आपका स्ट्रक्चर होगा, कैसा आपका मॉर्फोलॉजी होगा, कैसा आपका स्ट्रक्चर होगा, कैसा आपका जेनेटिकली आप कैसे होंगे, ये सारा कौन कुछ डिसाइड करेगा, डीएनए। और उस डीएनए को पास ऑन करने का काम कौन करता है, जनरेशन टू जनरेशन न्यूक्लियस, ये इसी का काम होता है। साथ ही साथ ये आरएनए भी, यहाँ पर जितने भी आरएनए एमआरएनए जो बनते हैं उन सब को, ये जितने भी एमआरएनए जो है वो सारे के सारे कहाँ बनते हैं, न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं। और ये डिसाइड करता है कौन कि कब बनेगा, कितना बनेगा, वो डिसाइड करता है न्यूक्लियस। ओके, सो यहाँ पर आपके फंक्शंस और स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में। ये जो क्रोमोसोम्स हैं, अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स की। किसकी बात करेंगे, क्रोमोसोम्स की बात करेंगे। ये जो क्रोमोसोम्स हैं क्या होते हैं, सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो क्रोमेटिन है वो थिक होकर के स्मॉल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। क्या कहेंगे, क्रोमोसोम्स कहते हैं। सो बेसिकली अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है दिस इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। और ये जो क्रोमोसोम है, ये डीएनए जो है यहां पर क्रोमेटिन कंडेंस फॉर्म में आ जाता है, थिक हो जाता है, और ये अब इनएक्टिव फॉर्म में है, यानी कि अब ये किसी भी तरह का कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि अब हो रहा है यहां पे सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन जब होता है तब ये इनएक्टिव हो जाता है। सेल डिवीजन का मतलब है कि जो भी डीएनए है उसको क्या किया जाएगा, हाफ पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। डीएनए सेल डिवीजन के दौरान सेल को एक सेल से दो सेल बनानी है, तो दो सेल बनाने के लिए क्या करेगा, ये क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर इन क्रोमोसोम्स की क्या बनेगी, कॉपी बनेगी। सेल डिवीजन हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हमें इतना समझना है कि ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्रोमेटिन कन्वर्ट्स इनटू द अपने नेचर स्ट्रक्चर को चेंज करता है, थिक हो जाता है, स्मॉल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स कहते हैं। और ये क्रोमोसोम्स जो है इनका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसे हम कहते हैं क्रोमेटिड। क्या कहते हैं इसे, क्रोमेटिड कहते हैं। और ये जो बीच में कॉन्स्ट्रक्शन होता है इसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं हम इसे, सेंट्रोमियर। दिस इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। क्रोमोसोम्स क्या है, बेसिकली यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ओके, सो सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट होता है, बीच में कहीं कॉन्स्ट्रक्शन होता है उसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। सो अब ये जो सेंट्रोमियर है और ये जो क्रोमोसोम्स है, इन क्रोमोसोम्स का नंबर जो होता है वो फिक्स होता है किसी भी एनिमल के अंदर या लिविंग बींग के अंदर। जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके अंदर क्रोमोसोम्स नंबर इज फिक्स्ड बाय स्पीशीज टू स्पीशीज। यानी कि अगर डॉग का है तो डॉग का क्रोमोसोम जो होगा वो फिक्स होगा। एलिफेंट है तो एलिफेंट के अंदर क्रोमोसोम क्या होगा, फिक्स होगा। जैसे अगर ह्यूमंस की बात करें तो हमारे अंदर कितने हैं, ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स है एंड दिस इज द फिक्स है। और 46 क्रोमोसोम्स जो है बेसिकली कैसे होते हैं, ये होते हैं पेयर के फॉर्म में होते हैं, यानी कि 23 एक पेयर। ये कुछ, हाँ मैम कर दूँ, 46 क्रोमोसोम्स पेयर होते हैं। और ये 46 क्रोमोसोम्स जो है पेयर में होते हैं, यानी कि इसका पेयर 23 पेयर्स होते हैं, कुछ इस तरह से पेयर में होते हैं। और इस पेयर, इसके हाफ को इसे हम कहते हैं हैप्लॉइड। क्या कहते हैं हम इसे,
हैप्लॉइड कहते हैं, और जो डबल अमाउंट होता है यानी कि जो 46 क्रोमोसोम्स हैं इनको हम कहते हैं डिप्लॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? डिप्लॉइड नंबर कहते हैं। और जो हैप्लॉइड नंबर होता है उसको हम एन से डिनोट करते हैं और इसे हम 2n से डिनोट करते हैं। सो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो फिक्स होता है और वो जनरली कैसा होता है? डिप्लॉइड नेचर भी होता है। लेकिन जब सेल डिविजन करते हैं, हैप्लॉइड को हम एन से डिनोट करते हैं और इस हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं? जीनोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? जीनोम भी बोलते हैं। सो क्रोमोसोम्स तो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर को हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। अब हम इसके जो फंक्शन है और इसके जो टाइप्स हैं क्रोमोसोम्स के वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्रोमोसोम के जो टाइप्स हैं वो किसके बेसिस पर होते हैं? सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पर डिसाइड होता है। ठीक है कि सेंट्रोमियर की पोजीशन कहाँ है? मिडल में है कि बीच में थोड़ा ऊपर है या फिर एकदम कहाँ है? एकदम एंड पर है। ठीक है, उसके बेसिस पर सेंट्रोमियर के बेसिस पर क्रोमोसोम्स के टाइप होते हैं। एंड ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनके नंबर्स जो होते हैं फिक्स होते हैं सेल्स के अंदर। ओके, सो अब हम क्रोमोसोम के बारे में फर्दर जो भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, सो टाटा बाय बाय।